सो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में जो कि है मीको SMP की नई वीडियो। तो आप सोच रहे हो कि इतने ज़्यादा दिन हो गया मीको SMP की वीडियो क्यों नहीं आई थी, वो आप देख के समझ गए होंगे क्योंकि मैं अपने टूल्स आर्मर इन सबको इंचेंट करा, तो मैंने ऑफलाइन ही डायमंड आर्मर बना दिया था, ऑफलाइन ही सब इंचेंट्स किए। और ये मेरे भाई ने तो एक इंचेंटिंग टेबल बना दी, तो उसी मैंने की है। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बुक्स बना के मैंने फाइनली थोड़ा बहुत मैक्स कर दिया, बस मेंडिंग की कमी है। अब वो मेंडिंग जब हम कोई विलेजर देगा तब हम निकालेंगे। तो आज की हम वीडियो में हम जो मेरा डायमंड आर्मर टूल्स हैं सबको नेदरराइट करने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले सीधा सीधा बताऊँ तो नेदरराइट माइनिंग करने। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ गाइस, ये देख सकते हो कि मैंने बना एक वो कॉबलस्टोन बनाया था पहली वाली वीडियो में। हाँ शायद मैंने उसकी वीडियो बनाई थी या नहीं बनाई थी, हाँ बनाई थी शायद। और हाँ मैंने इधर एक बैल वैल क्राफ्ट कर ली थी गोल से, और ये रेड हुई थी, इधर एक स्पॉन हो गया था जब ऐसी बारिश पड़ रही थी तो ये स्पॉन हो गया। तो मुझे इससे ये मिल गया, दो मिले, एक मेरे घर पर, एक मैंने इधर लगा दिया। और मैं हीरो ऑफ द विलेज उस समय, और मैंने इसमें बस कुछ पैट्स पाले और इधर ये देखो पूरा सामान भरा हुआ है अभी नहीं इसमें मेरी। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हम अपना कास्टल बनाने वाले हैं उसके लिए सामान मैंने बहुत सारा कलेक्ट करा है। अभी आप देखना ये गाइस, ज़्यादा तो नहीं है पर यार फिर भी कलेक्ट इतना और भी कलेक्ट कर लेंगे। और ये कर देखो, ये तो फालतू समय है भाई, डर्ट आप देखोगे मैं आपको बताऊँगा ये क्या डर्ट इतनी सारी कैसे है। और अब इधर भी देख लो, इधर भी बहुत सारी डर्ट है। और ये भी मैंने थोड़े बहुत बना रखे काचन में काम आएंगे। ये मेरे कुछ दो पैट्स है, इधर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रखा है गोल्डन एप्पल। अब मेरे पास सिल्ड टच की एक डायमंड पिकैक्स भी है, उससे मैंने तोड़ा था। और अभी मेरे पास 31 डायमंड्स भी बचे हुए हैं, 43 और सब ये बचा हुआ है। ये मेरा पुराना आयरन हैमर, और देख सकते इधर बैनर भी है, और मेरे पास एक गोल्डन एप्पल। देखो मेरा भाई भी बाहर ही खड़ा हुआ है, चलो मिल के आते। अरे कहाँ जा रहा है, बात क्यों रहा है, अबे ये क्या कर रहा है, सीधा मेरे घर में घुसेगा क्या, अरे क्या कर रहा है, डर्ट क्यों चुरा रहा है। चलो गाइस कोई बात नहीं, डर्ट चुरा रहे तो क्या करे, अरे अभी लाइट भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने अभी शायद इसको समझा दिया है भाई, इसको अभी शॉट पड़ जाते हैं मुझे मारता। कुछ लिख रहा है क्या ये, ये गेम अटक गया क्या, लैग कर रहा है थोड़ा सा। अभी एक मिनट रुको, मैं ये प्रॉब्लम थोड़ी फिक्स करके आता हूँ। सो गाइस अभी मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर ली है, थोड़ा सा लैग कर रहा था, अब देख सकते हो अब ये हम सब सही है। हाँ तो अब बात करता हूँ मैं इससे, नेदरराइट माइनिंग पे चल रहा है क्या। क्या करें, अबे लिखा तो ये सुन दिख नहीं रहा। और गाइस मुझे दो ट्राइडर मिल गए, तो मेरे भाई को भी गाइस हमारा इतना अच्छा लक है, TNT नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसे सिंपल माइनिंग कर लेंगे, सिंपल बिना TNT के, बिना TNT के, बिना TNT के कोई बात नहीं, बिना TNT के माइनिंग कर लेते। TNT के माइनिंग कर लेंगे, तू बस जल्दी चल भाई। ऐसे यार टूल्स वूल्स अच्छा है, चल उसको लावा डाल दूंगा, चल
और अभी हम नैदर जाने वाले तो पाउडर से निकाल लेता हूँ मेरे वाटर वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होता, पानी प्लेस ही होता। ओके मेरे पास 4 है, TNT है, अच्छी बात है। कितने वैसे तो मुझे बहुत TNT दे रहा है, कितने अबे भाई कितने TNT रख के बैठता है भाई, कितने TNT है। ओ माय गॉड भाई तुम कौन हो भाई। चलो भाई सही है, चलो जल्दी जल्दी चल चल अब तो चले। गाइस अब जल्दी चलते हैं, इसका बोरा पेश है, मुझसे ये होते ही नहीं है। थोड़े TNT दे मुझे, कहाँ पे है तू? बे यार अरे ये अटक क्यों गया, अरे यार फिर ग्लिच शुरू हो गई। सो गाइस अभी मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है, वो थोड़ा लैग कर रहा था, देख सकते हो अब तो सही है। हम दोनों हाँ देखो अभी ये भी हिल सकता है, और वैसे ही नाइट होने वाली, मैं तो उसके घर से उधर से जा रहा हूँ भाई। इधर आयरन गोलम से आयरन गोलम को ना लग गया, क्या हुआ हाँ इधर से अपने ऊपर। अरे यार यार शिट 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 शिट, अरे गाइस यार अभी इसको हाँ तो अभी इधर से। अरे यार ये तो बार रहा बार बार, मेरी आर्मर की हेल्थ चली गई देख सकते हो। तो मैं ऊपर जाती हूँ, जब मैं आ गया ऊपर ये उधर ही देखे जा रहा है कि वीक आए। अरे भाई क्या हुआ जल्दी सो जाता हूँ। सो जा गए, सुबह हो चुकी है, अब ऊपर चलते हैं। अब चलो नैदर चलते हैं। तो गाइस मेरे पास एक माइनिंग पिकैक्स भी है आयरन की, इसमें एफिशिएंसी 4 लगा हुआ है तो सही है ये, इसको इससे माइनिंग करेंगे। अभी जल्दी अपन बस आए नैदर में आए जब तब तक नैदर चल मैं नैदर में ही हूँ। वे यार ये आ गया सिट, वे यार ऐसे टूटेगा। ये गया ख़त्म। गाइस हम तो इधर से खोदना चालू कर दे रहे। कौन सी लेवल पे मिलता था बस मैं गूगल से चेक करके आता हूँ। सो गाइस अब मेरे को पता चल गया कौन सी ऐड होती है, माइनस 18 या माइनस
11 या 13। भाई ये कितना नीचे नीचे ही माइनिंग करेगी। चलो तभी मैंने पाउडर स्नो कलेक्ट कर लिया। भाई ये लावा ना आते मेरा भाई, पता नहीं कहाँ पे, देखो उसका नेम तक शो रहा है। हम तो करते चलो अपनी माइनिंग। वैसे अभी जब तक मैं अपनी वो हाइट पे पहुंच जाता हूँ माइनस जो जितनी है तब मैं मिलता हूँ। सो गाइस अभी मैं 12 लेवल पे आ चुका हूँ। अब मैं अभी खोदना शुरू करता हूँ और फिर TNT खोदना भी शुरू कर देता हूँ। अब ऐसा मैं प्रिंट एंड स्टील लाना भूल गया, पर मेरे पास ये है तो मैं इससे कर सकता हूँ। हाँ तो मैंने खींच लेता हूँ, एक 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 इधर लगाएंगे ऐसे जब मैं इसको प्लेस करता हूँ। गाइस थोड़ा पीछे चले जाते और मैंने इसको इग्नाइट कर दिया। अब बस थोड़ा पीछे पीछे जाते हैं पीछे। बस मैंने इसको फोड़ दिया। क्या मुझे इंस्टेंट डबरीज मिला? इंस्टेंट डबरीज, अरे यार मुझे अभी तो इंस्टेंट डबरीज नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, वापस करते चलो। और मैं सोचा इसको तोड़ ही देते हैं, इसका कोई काम भी नहीं है माइनिंग पिकेक्स का, तो मैं बाद में डायमंड पिकेक्स से ही काम करूँगा। अभी जितना ये हो सकती है खोदा दे, इसे खोद लेता हूँ तो मैं आगे चलता हूँ। जब बहुत लैग कर रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा ही DMP बोल दिए। मैं ऐसा करता हूँ एक एक करके तोड़ता हूँ, वो तो कुछ ज़्यादा ही लैग करने लग जाएगा। ऐसे ऐसे एंड ऐसे। अबे यार इधर लगा देते, इधर ऐसे लगा देते और इसको इंडाइट करते भाग जाते। अब मुझे कुछ मिला इंसेंट डबरीज। ओ गाइस मुझे इंसेंट डबरीज फाइनली मिल चुका है। ये रहे हमारे इंसेंट डबरीज पहला। और अब जल्दी से इसको डायमंड पिकैक्स से तोड़ते हैं। अरे मेरी इन्वेंट्री फुल है, हटाओ उसको। मेरा भाई का भी नेम टैग शो रहा है, वो भी इधर ही कर रहा है माइनिंग। अब हम भी करते हैं। अरे यार मुझे चोर गिर गया। एक एक करके फोड़ेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा। पहला एक इधर, एक इधर, एक इधर, उसको ऐसे फोड़ देंगे और दूर भाग जाएंगे। ये कूद जाएगा। मेरा भाई तो मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल गया। अरे यार तो कोई भी इंसेंट डबरीज नहीं है। अब जल्दी से इसको इधर TNT लगाते।
कहीं ना करते और भागते लैग के वजह से मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत लैग कर रहा है, इधर तो कोई भी नहीं है। इंसेंट अभी चलो नहीं नया को थोड़ा और दूर दूर तक खोदते हैं। भाई सब यार मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ। आया फाइव भाई सब यार इसको तो पूरी फाइव मिल गई। मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। अब देखते हैं अभी कोई मिली। अरे यार क्यों मिल क्यों नहीं रही है, मुझे ही नहीं मिल रही। मेरे भाई को तो बहुत सारी मिल रही है। मेरे भाई को ही मिल रही है सारी। मेरा भाई तो मुझे ज़्यादा सारी। चलो 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 थोड़ा भागो। अब तो मुझे मिल गया इंसेंट डब्रीज। गाइस ये तो इंसेंट डब्रीज मिल ही नहीं रही है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यार। गाइस अब जब नेक्स्ट इंसेंट डब्रीज मिल जाएगी तभी मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस अभी मेरे को मिल रही है थोड़ा और मुझे मिल गए थे दो इंसेंट डब्रीज। तो मैं पॉज को रिज्यूम करना भूल गया था तो इसलिए सॉरी भाई। पर मुझे दो मिल गए थे तो मेरे पास तीन हो गए। मेरे भाई के पास तो यार एट आठ आ गए। हम भी लगाते हैं। अरे आगे रास्ता नहीं है। घर पे जाके भाई सब मैं अपने डायमंड से पूरा रिपेयर करूँगा और अपने आर्मर को। भाई ये किसका टीएनटी है? मेरा भाई भी इधर दिख रहा है। सो गाइस अभी सर्वर वापस से लैग कर रहा था थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा सर्वर को वापस मतलब करके आया हूँ। और देखो भाई ये रहा इधर। ये भी अपनी माइनिंग कर रहा है। भी करते चलो। वन टू थ्री थ्री लगा रहा हूँ। अब मैं वापस जब मेरे को जब बाद में मिलेगा टी इंसेंट डब्ल्यू तब मिलता हूँ। सो गाइस मुझे फाइनली शायद यहाँ एक ही मुझे मिल चुका है ये नेलराइट। और अब मैं इसको वापस अब कलेक्ट करता हूँ। बहुत देर के बाद मिला यार। गाइस अब मैं नेक्स्ट जब तक कलेक्ट करता हूँ। सो गाइस मैंने अभी इतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोशन था। तो गाइस इधर देखो एक ही चंग पे कितने सारे नेदर रेट है। चलो सबको कलेक्ट करते। भाई साहब बहुत देर के बाद मिले पर यार मिल तो गए तो वो भी इतने सारे यार। लगता है माइनक्राफ्ट का गॉड भी चाहता है कि जल्दी मैं कलेक्ट कर लूँ नेदर रेट को और बल बल में जाऊँ। अभी सारे कलेक्ट कर लूँगा मैं ये।
मैं नेक्स्ट के बाद मिलता हूँ। सो गाइस अभी मेरे को मिल चुके हैं थोड़े बहुत वापस से किए हैं, इंस्टेंट डबरी से जल्दी लेते हैं इनको भी। ये एक है और बस ये आखिरी लेता हूँ जल्दी। कितने हो गए मेरे पास? 14 हो गए। चलो अब नेक्स्ट। सो गाइस मुझे वापस मिल गए थोड़े, मतलब मिल गए ये इंस्टेंट डबरीज। अब जल्दी से इनको भी तोड़ता हूँ। मेरा आर्मर तो हो गया गाइस। अब ये टूल्स मैं अगले एपिसोड में करूँगा या ऑफलाइन कर दूँगा मैं टूल्स नेदरराइट और ढूंढ दूँगा, ठीक है? क्योंकि यार बहुत देर लग रही है नेदरराइट ढूँढने में, तो मैं ऑफलाइन करूँगा ये टूल्स का। तो आज बस इतने नहीं ले लेता हूँ और बस वही कर ली मैंने सारे नेदरराइट ले लिया। अब बस घर जाना है तो घर जाता हूँ, अपने भाई से कोऑर्डिनेट बात मांगता हूँ। सो गाइस अभी मैंने गोल्ड और सबसे बना दिया, 8 नेदरराइट इंगट मेरे पास अब आ गए। अब अपने टूल्स को और आर्मर करते हैं जल्दी से इसको नेदरराइट बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे, और अपनी ये शॉर्ड को बनाते हैं एंड पिकेक्स को बनाते हैं, और मेरे पास अब ये बचे एंड इसको या शवल को बना। अरे यार शिट यार, मैं शवल को बना देता। अब मैं कल 2 नेदरराइट इंगट और ले आऊँगा और फिर उसके बाद मेरे पास सब नेदरराइट का सब आ जाएगा। और अब पहनते अपना आर्मर गाइस। अब हमारे पास फाइनली आ चुका है नेदरराइट का आर्मर, और अब हम बन चुके हैं ताकतवर। और अब अगली वीडियो में मैं तो ऑफलाइन 2 नेदरराइट इंगट ले आऊँगा और कर बना के अगली वीडियो में गाइस हम बनाएंगे अपने कासर को, थोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।